सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो सर ने डिफरेंट थॉट्स बताया कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट का बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं लो कॉस्ट पे, उसकी टाइम, क्वालिटी और कॉस्ट, तीन इशू होते हैं जिस पे हमारा प्रोजेक्ट को खड़ा उतरना चाहिए इन तीनों मानकों पे। अगर इन तीनों को हम बैलेंस करके चलते हैं तो हम मानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सफल रहा। सर की दूसरी जो सजेशन थी कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग काफी अच्छे से होनी चाहिए कि बाद में डेविएशन ना आए और हम प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के लिए खुद को तैयार रखें। बाद में कोई फर्दर इशू आएगी, सर ने डिफरेंट एग्जांपल्स के माध्यम से उसे बताया जिसमें मेट्रो का और बहुत सारी एग्जांपल्स आए। 10% सर ने कुछ रखा कि सुनामी और कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, डिमोनेटाइजेशन वगैरह, तो उसको भी हमें लेके चलना चाहिए। दूसरा कोर्स हम लोगों का ई गवर्नेंस का था, तो सर ने बताया कि नगर निगम में जाने से लोग क्यों डरते हैं और यहाँ पे हमारे यूएलबी में ई गवर्नेंस की क्यों आवश्यकता है। ई गवर्नेंस के जितने भी कंपोनेंट्स थे, जस्ट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जितना बेहतर हम दे सके लोगों को खुद से ई म्यूनिसिपलिटी की ओर, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा सेशन जो हमारा पोस्ट लंच सेशन हुआ उसमें हम लोगों ने टेंडर प्रोसेस के बारे में जाना, ई टेंडर के बारे में जाना, और अभी हम लोगों ने प्लान मैनेजमेंट के बारे में जाना जिसमें हमारा रेवेन्यू कैसे एनहेंस करेगा, हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और तीसरी चीज कैश फ्लो को कैसे कंट्रोल कर भी अपने एक्सपेंडिचर को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, हम अपने इन्वेंट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे हम क्रिएटिव डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।